वर्तमान को और पति की तरह बंद कर दिया। लगता है कल से ज्यादा आज और भी ज्यादा भीड़ था। कल मिनिमम 1.5 लाख आदमी आए थे और आज मेरे पीछे फ्रेंड्स ये भीड़ देख रहे हैं अभी। और ये है सेंट्रल मैदान में हम लोग हैं अभी फ्रेंड्स, तो बने रहिए फ्रेंड्स वीडियो में और दिखाते रहेंगे आपको आगे जो भी कुछ होगा। कितने लोग सुन रहे हैं कथा सुनने आज भगवान का नाम हुआ है रास रचाने का। यमुना का किनारा है, अपने अधरों पर बांसुरी लेकर श्याम सुंदर ने गजब की बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की ये मुरली के मानसा। आदत मुरन्यो यमलक्षितो यमा सयत्र कांतो जबलो यकुंडला। आज भगवान ने गोपियों को सुंदर सा क्रीम बीज मंत्र छोड़ा, गोपियां जमा थी वहीं से दौड़ दौड़ कर और श्री कृष्ण का पावन दर्शन करने के लिए गोपियां आई। सारी गोपियां दौड़ पड़ी काम कर। भगवान की उम्र कितनी थी? 8 साल। अब बताओ 8 साल का कोई बालक यदि किसी स्त्री के संग नाचे तो क्या कोई वासना है उस बच्चे के अंदर? 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना होती है? आपके 8 साल के बेटे के अंदर कोई विषय वासना है? तो फिर भगवान के अंदर कोई विषय वासना कैसे हो सकती है? भगवान ने जब रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? 8 साल। क्योंकि 10.5 साल की उम्र में खुद आपको बताएगा कि भगवान ने रास क्यों रचाया। अच्छा ये बताओ जो गोपियां थी वो गोपियां कौन थी? क्या आज की तरह कोई सामान्य स्त्रियां थी? कौन थी वो गोपियां? हाँ
जन्म जन्म की तपस्वी, जन्म जन्म के तपस्वी संत। द्वापर युग में भगवान ने उन संतों को वेद की ऋचाओं को गोपियों के रूप में भेजा ताकि तुम्हारा मनोरथ मिलने का था भगवान से, तो भगवान मिलकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सके, इसलिए भगवान ने रास रचाया। त्वमेव विद्या गर्भम, त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम कैसी। भगवान को द्वापर युग में गोपी बनाकर भेजेंगे और कहेंगे तुझे पति के रूप में मुझे चाहिए जाना, मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा। ये भाव है कि मैं गले से लगाकर भगवान को और पति की तरह प्यार करूं, उनके शरीर को मैं पत्नी बनकर स्पर्श करूं, तो कोई माँ कहे कि मैं कन्हैया को माँ बनकर उसके गालों का चुंबन करूं, तो भगवान यदि कोई माँ बनकर पुकारता है तो किसी ना किसी युग में उसे यशोदा का अभिनय दे देते हैं भगवान की, तुम मेरी माँ बन जाना। आपने भगवान से इतना प्यार किया तो भगवान आपको अगली बार गोपी के रोल में अपने रास में सम्मिलित कर लेंगे, हमें और आपको सखा के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं भगवान, हम जैसे पापियों को भी शायद भगवान कभी सखा के रूप में सम्मिलित कर लें, कभी किसी न किसी लीला में भगवान हमें और आपको भी सम्मिलित करेंगे, इसलिए भगवान की ये लीला हर युग में है, लेकिन कंस बदल जाता है, राम तो हर युग में आते हैं लेकिन रावण बदल जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड कौन दिखा सकता है, कोई इंसान है, आप ये ना सोचो कि भगवान चोरी करते हैं। कैमरा उधर है सर।